हैं स्टेज पर, इनके बारे में मुझे बोलना है, बट मेरे को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब कैसे दूँ मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन? ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको भी होती होगी जब भी आप स्टेज पर एंकरिंग करते होंगे, तो इसका क्या है सॉल्यूशन? वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ गिरीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माई दिस ब्यूटिफुल चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड नाउअडेज दिस इज़ क्वारंटीन गोइंग ऑन, और आई होप एंड आई एम डैम श्योर कि आप अपने समय का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, और जब भी किसी को हमें डिग्निट्री को स्टेज पर इंट्रोड्यूस करना है तो उस समय किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टेक्निकल डिटेल गेस्ट के बारे में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ अपियर्ड इन दी स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, ही वॉज द पार्ट ऑफ द इंडियन आइडल 6, ही हैज़ ऑल्सो डिड हिज MBA इन साइकोलॉजी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो, क्योंकि जनरली अगर गेस्ट का इंट्रोडक्शन मांगते हैं तो वो ये सारा पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा आपको पकड़ा देते हैं, उसमें वो पूरा एक जन्मपत्री टाइप का होता है, और अगर आप उसको पढ़ने लगेंगे तो आपकी ऑडियंस सो जाएगी। सो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपको वहाँ पर ऐसा लंबा चौड़ा पूरा चिट्ठी पत्री पढ़ के नहीं पढ़ना है। आपको बात ये करनी है कि जो गेस्ट आया है उसको जो श्रोतागण है वो क्यों सुने, उनकी ज़रूरत क्या है, और अगर उनको वो सुनेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा। जब आप उस चीज़ की बात करते हैं तो तभी आपके गेस्ट को ऑडियंस सुनती है, और जो ऑडियंस है उसका ध्यान गेस्ट या स्टेज की तरफ जाता है। अब आती है बात ये टेक्निकल डिटेल्स की। मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ, और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि जो गेस्ट की टेक्निकल डिटेल होती है उसका आप रफली सिर्फ 0.3 रूल, इसको बोला जाता है 0.3 रूल, यानी किसी ने ज़िंदगी में कुछ भी किया हो उनकी ज़िंदगी की सारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको तीन मेन फैक्टर्स में बात की जा सकती है। तो आपके पास बाय चांस अगर इंट्रो आता है तो उस इंट्रो में से आप तीन मेजर पॉइंट्स निकाल दें, और ख़ासकर बहुत बार ऐसे सिंगर्स का, एक्टर्स का ये सब आता है, तीन पॉइंट्स, द विनर ऑफ इंडियन आइडल, अवार्डेड स्टार स्क्रीन, ऑलराइट। इस तरीके से कोई से भी तीन पॉइंट आप निकाल दें और उन तीन पॉइंट्स को ही टेक्निकल डिटेल में आप बोलें। उसके बाद कुछ आपको हमेशा ही याद रखने पड़ेंगे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्टेज पर हमेशा बचा के रख देता है, वो है जेनरिक इंट्रोडक्शन, द मैग्नेटिक डिमीनर, द फायर बॉल ऑन स्टेज। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर पहलू में इन्होंने ज़िंदगी को कैसे जीना है, आगे कैसे बढ़ना है वो समाज को सिखाया है। ही इज़ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑब्वियसली जिसको वहाँ पे स्टेज पे बुलाने के लिए आ रहे हैं तो वो इंस्पिरेशन ही होगा। तो आपको जो ये वर्ड्स है ये आप किसी भी पर्सनैलिटी के लिए ये वर्ड्स चेप सकते हो इन और आउट के साथ। तो इन वर्ड्स को आप हमेशा याद रखें, और जब भी आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ही इज़ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ही इज़ द मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के हीरो नहीं हैं बल्कि हम सबकी ज़िंदगी के हीरो हैं। फर्श से लेकर के अर्श तक उनकी ज़िंदगी की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और आज हम सब खुश नसीब हैं कि हम सब के बीच में अपनी ज़िंदगी की बातें, अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए आ रहे हैं वन एंड ओनली द मैग्नेटिक डिमीनर, मिस्टर अनिल गुप्ता जी। I want everybody to have a huge, huge round of applause to welcome Mr. Amit Gupta on stage, ladies and gentlemen. इस तरीके से बात करें उनकी मोटिवेशन की, बात करें
उनकी इंस्पिरेशन की बात करें कि किस तरीके से उनकी कहानी हम सबको इंस्पायर कर सकती है, हम सबको मोटिवेट कर सकती है, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्षों को फेस किया। अब संघर्ष तो हर एक किसी की ज़िंदगी में आते हैं, आज आज दुनिया में एक इंसान बता दो जो ये बोले कि उसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है। तो जो ये इस तरह के जेनेरिक पॉइंट्स होते हैं, बहुत बार आपको ऑन द स्पॉट बोला जाता है कि कोई आ गया है उसको स्टेज पर इंट्रोड्यूस करो, अब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ये जो जेनेरिक पॉइंट्स होते हैं, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत, उनकी ज़िंदगी की कहानी हम सबके लिए एक तरह एक किताब की तरह है, जिसको जितना पढ़ा जाए हम अपनी ज़िंदगी को और भी निखार सकते हैं। उन्होंने जो ज़िंदगी में संघर्ष किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और देन यू मस्ट से दैट वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर हैप्पी, वी ऑल आर डिलाइटेड कि आज हमारे बीच में वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आती है बात कि लेकिन इसमें थोड़ा मसाला भी लाना ज़रूरी है। तो जिस भी गेस्ट को आप स्टेज पर बुलाने वाले हैं, उस गेस्ट की तारीफ में आप शेरो शायरियाँ ज़रूर करें, या उनकी उनके इंट्रोडक्शन में शेरो शायरा शायरा बोला मैंने कि उनके इंट्रोडक्शन में शेरो शायरी ज़रूर करें। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, अकेला तो पहल तो कर, काफिला खुद बन ही जाएगा। अकेले उन्होंने पहल करी और आज उनकी कंपनी में हज़ारों लोग हैं, एक शेर व शायरी के साथ। और आप इस तरह की बातें थोड़ा सा अगर वो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइलिश में आप बोलना चाहें तो आप ये वाली बात भी बोल सकते हो कि सर मैं आपको यही कहना चाहूँगा बिफोर आई कॉल यू ऑन स्टेज कि जान है मुझको जिंदगी से प्यारी, जान के लिए कर दूँ कुर्बान यारी। जान है मुझको जिंदगी से प्यारी, जान के लिए कर दूँ कुर्बान यारी, जान के लिए तोड़ दूँ दोस्ती तुम्हारी, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम ही तो हो जान हमारी। जी हाँ दोस्तों, हम सब की जान, इस महफिल की जान, जिनके लिए अब नहीं है ज़रूरत कोई जान पहचान, जो नहीं है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज, प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज वन एंड ओनली मिस्टर अनिल गुप्ता। हाँ, ये भी एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पॉइंट ये है कि जो लास्ट का जो आपका पिच होना चाहिए, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर अनिल गुप्ता, जो तीनों उसके नाम के वर्ड है वो वन टू थ्री ऐसे में बोलेंगे तो तब पंच आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड मिस्टर नैतिक नागरा, तो उनके साथ मैं बहुत सारे शोज करता हूँ। ही इज़ इंडियाज़ नंबर वन परक्यूशनिस्ट, सो ही इज़, तो इंट्रोडक्शन, ही इज़ द एपिटम ऑफ एनर्जी, ही इज़ द फायर बॉल ऑन स्टेज। 7 साल की छोटी सी उम्र से उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। ही हैज़ बिन अवॉर्डेड एज द महाराष्ट्र गौरव अवार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज वन एंड ओनली द फायर बॉल ऑन स्टेज मैग्नेटिक डिमीनर मिस्टर नैतिक नागड़ा। यू गॉट इट, लास्ट के 3 पॉइंट्स है, 1 2 3। तो इसमें क्या होता है, पंच आता है और ऑडियंस का आपके प्रति आकर्षण बढ़ता है। ऐसी है जिन्हें हम दिल से ज्यादा प्यार करते हैं, ये वो है जिन्हें इंडिया का डांडिया किंग कहा जाता है, ये वो है जो MTV रॉक ऑन विनर है, ये वो है जिन्होंने 7 साल की उम्र से ही ढोल बजाना शुरू कर दिया था, ये वो है जो स्टेज के साथ साथ हमारे दिलों में राज करते हैं। He is the fireball on stage, magnetic demeanor, the fire performer. Yes, ladies and gentlemen, the Dandiya King, Nathik Nagra, gonna rock this evening. So, here we start. Jio Digital Life, Jito Thane, and Ashok Group presents Ras Rang 2017.
तो जब भी आप इंट्रोडक्शन करें, तो मैंने वीडियो को कंक्लूड करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जेनरिक पॉइंट्स आपके पास हर किसी के बारे में आप बोल सकते हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्तोत्र, फर्श से अर्श तक की उनकी कहानी। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें शेर व शायरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, उनकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हुए, उनकी प्रेजेंस को एक्सप्लेन करते हुए। तीसरी चीज़, जब भी आप बोलें, जैसे ही आपने बातचीत की है कि हाँ उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो जो लास्ट के आपके तीन वर्ड्स होने चाहिए, वो तीनों वर्ड्स में पंच आना चाहिए। 1, 2, 3। सो दिस वे यू कैन इंट्रोड्यूस द गेस्ट ऑन स्टेज। वेल विद दिस इट्स अ रैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस टॉपिक से हटकर लास्ट के 30 सेकंड में आपको बात करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में कमेंट करके पूछा है कि गिरीश भाई हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत वीक है, तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें, कैसे क्या करें। हालाँकि ये मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू वन बुक विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश, एंड आई हैव डन लॉट research about it, ki which book should we use to improve our English language, and this is the book I would like to recommend to everybody who has been, you know, suffering from their English fear. So English at Home by S. Bhushan and S. P. Upadhyay. इस बुक को आप इंटरनेट पे रिसर्च कीजिएगा, और इस बुक को जैसे ही क्वारंटीन लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप ऑनलाइन कॉपी इसकी मंगवा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एट होम बाय एस भूषण एंड एस पी उपाध्याय। सो विद दिस सेकंड टाइम आई एम डूइंग द रैप, सो दो बार फिनिश कर दिया है वीडियो को। सो विद दिस इज अ रैप, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गिरीश शर्मा साइनिंग ऑफ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।